लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और गरीबों की मदद की तस्वीरों को सभी ने देखा। कहीं पुलिस मदद कर रही थी तो कहीं सीआरपीएफ। प्रशासन ने भी जरूरतमंदों के घर तक राशन पहुंचाया। इंसानों की मदद की तस्वीरों को तो सभी ने देखा, लेकिन बेजुबान पशु पक्षियों की मदद की तस्वीरें कम ही दिखाई दी। अनलॉक वन में बिहार के छपरा से पक्षियों को लेकर एक अच्छी खबर आई है। छपरा के कुछ उत्साही युवाओं ने बेजुबान पक्षियों को दाना पानी देने का बीड़ा उठाया है। ये लोग टिन के डिब्बों का घोंसला बनवाकर शहर के उन स्थानों पर लगाते हैं जहां पक्षियों का आना जाना लगा रहता है। ये लोग रोजाना ऐसे 4 से 5 घोंसले तैयार करवाकर अलग अलग जगहों पर लगाते हैं। पक्षियों को दाना पानी देने के लिए युवाओं की ये टोली रोजाना सुबह सुबह घर से निकलती है। ये लोग सरकारी कार्यालय, घरों के पास पेड़ों पर जाकर दाना पानी से भरे घोंसलों को लगाते हैं। दाना पानी का इंतजाम करने वालों ने कहा कि हम लोगों ने महसूस किया कि ज्यादातर लोग राशन का वितरण कर रहे हैं, लेकिन बेजुबान पक्षियों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। 100 से 200 पहुंच रहे हैं ये घोंसले लगाने के लिए, और हमारे साथ 2 टीम काम करती है। एक टीम जो घोंसले लगाती है और एक टीम है जो उसको एक अल्टरनेट दिन बीच करके उसको देख रेख, उसमें अनाज और पानी का व्यवस्था करती हैं। जहाँ जंतु या जहाँ पक्षी ज़्यादा बैठते हैं वहाँ जाते हैं और उसको देखते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं। और हमारे साथी हैं और छपरा के बहुत सारे युवा हैं जो हम लोग से जुड़े हुए हैं, और बहुत ऐसे गणमान्य लोग हैं जो हम लोग के पीछे से सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोग का यही है कि निरंतर इस चीज़ को अपना टाइम निकालकर सुबह के टाइम हम लोग 5-6 बजे उठते हैं और जाकर 8-9 बजे तक ये काम पे, और बाद में फिर हम लोग अपना काम पे लौट जाते हैं। PWD ऑफिस हो गया आपका, जिला परिषद वाला ऑफिस हो गया आपको, परिवहन विभाग का। पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने वाली महाकाल समिति के एक सदस्य ने कहा कि पहले हम बाजार से टिन का घोंसला खरीदते हैं, फिर उसमें दाना पानी रखकर पक्षियों के लिए रख देते हैं। हम लोग महाकाल सेवा समिति के सदस्य लोग पूरे लॉकडाउन के प्रकरण में राशन वितरण कर रहे थे, और राशन वितरण करते हुए देखा कि राशन वितरण तो सभी लोग कर रहे थे, गरीबों असहायों की मदद कर रहे थे। हमने वो देखा कि इन बेजुबान पक्षियों और जानवरों की सेवा में कोई किसी का ध्यान नहीं था, तो हमने अपने महाकाल सेवा समिति के सदस्यों से इस बारे में चर्चा की कि सभी कोई राशन एक दूसरे को देख रहे हैं, गरीबों असहायों को देख रहे हैं, इन पक्षियों पर किसी का ध्यान नहीं, क्यों ना हम इन पक्षियों की भी सेवा करें, इस महाकाल सेवा समिति को एक और नया मुहिम पे ले जाएं। उसी कारण इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इस टीम निर्मित चदरे का निर्माण किया, घोंसले का निर्माण किया, और इसे शहर शहर गली गली छपरा टाउन में लगाने का प्रयास किया। पक्षियों के लिए काम कर रही संस्था के काम की तारीफ होनी चाहिए और लोगों को भी इस नए काम से सीख लेकर पक्षियों के लिए काम करना चाहिए। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल की रिपोर्ट, बिहार तक।